मैंने तो जब वो साइफर देखा, मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए, इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है? और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था और यकीन करें आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी पर सवाल उठा दिए, नैब तरमीम का मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, न्यूट्रल्स को समझाया था पाकिस्तान अदम एतमाद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, अमरीकी एजेंडा है, इसराइल को तस्लीम करो, कश्मीर को भूल जाओ। सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा आबाई कब्रिस्तान बालू जाकबा में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालकोर समेत दीगर अफराद की शिरकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चौधरी बरादरान समेत दीगर अहम शख्सियात का साबिक सदर की वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत। अफगानिस्तान में कुदरती आफत, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में पेश, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 8 ट्रक इमदादी सामान लेकर सुबह पक्की का पहुंच गए, कंबल, खैमे और अदवियात शामिल। लंदन के सीवरेज के पानी में पोलियो के जिंदा वायरस की दरियाफ्त, इमरजेंसी नाफिस, महकमा सेहत की आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील।